छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के ग्राम सतमरा पर रामायण महोत्सव का शुरुआत हुआ। मुख्य अतिथि केदार देवांगन ने कहा कि भगवान राम हमारे राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक है। भारतीय जनमानस में लोक चेतना और सांस्कृतिक जागरण के महानायक है। समाज के दलित, वंचित, शोषित पीड़ितों के सेवक है, उनके द्वारक है। भारतीय दर्शन में अखंड राष्ट्रीयता के निर्माता है, जिन्होंने अयोध्या से लेकर लंका तक की यात्रा पर भारत को आतंक मुक्त एवं समृद्ध राष्ट्र बनाया था। कोई भी ग्रंथ या महाकाव्य किसी भी कवि का समकालीन काव्य होता है, जो उस समय की परिस्थिति एवं व्यवस्था पर केंद्रित होता है। रामचरितमानस विश्व का सर्वमान्य मानवीय आदर्श ग्रंथ है, जिसे पढ़कर परिवार, समाज और राष्ट्र शांति और सद्भावना का अनुभव कर रहा है। कि समाज में कई तरह के लोग हैं, जहां कलयुग के प्रभाव भी अपन खूब वेग से चलत है, लेकिन वहां समाज में संस्कारित व्यक्ति जन है, वो मन आज भी यहाँ है और उकर मन के कारण ही आज संस्कार फलत है, फुलत है। और निश्चित रूप से ये संस्कार ला कोई दबा नहीं सके, हमर सनातन परंपरा कोई दबा नहीं सके, और निज दिन हमर सनातन के विकास आगे हो जाएगी। और राम कथा आज जहां तहां जन हो थे, ओकर पीछे हमर संस्कारी व्यक्ति मन के हाथ है, हमर सियान मन के हाथ है, हमर माता मन के हाथ है, तब जाके ये संस्कार आगे पनपते जाइए। आगे भी भगवान की कृपा रही, ऐसे ही भगवान महादेव कृपा ये गांव के लिए बने, पूरा छत्तीसगढ़ में बने, ये मैं मानता हूँ। दानदाताओं के माध्यम से यहाँ पर एक छोटा सा मानस प्रचार समिति के माध्यम से यह जो आयोजन है चला रहे हैं। देखिए, जैसे कि हम संस्कार की बात कर रहे थे, यह जो संस्कार है वो घर से ही कहा जाए सीखने को मिलता है। अब घर से जो व्यक्ति नहीं सीख पाता, वो कहा जाए चार झने के बीच में आकर के अगर बैठता है, उठता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। कहीं गलत जगह जाकर के अगर बैठे लोग तो उसको गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर कहीं धार्मिक स्थल पर जाकर बैठता है, धर्म स्थल पर, तो उसको धर्म का प्रभाव पड़ेगा। यह महाशिवरात्रि, जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं और लगातार 25 वर्षों से समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित होता है। जैसे कि कह दिया है गोस्वामी तुलसीदास की, बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पदा, अर्थात कहने का तात्पर्य यह जाता है, जहाँ पर सत्य का प्रेम होता है वहीं पर भगवान राम का निवास होता है। और वास्तविक सत्य यदि देखा जाए तो राम के नाम में ही सत्य है। और यही भाव को उजागर करने के लिए ग्राम सतमरा के समस्त जनों के माध्यम से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लगातार कई 25 वर्षों से आयोजन हो रहा है, यही हमारे गांव की देन है। और उसमें एक कहा जा सकता है कि अहम भूमिका, एक अहम नेतृत्व आदरणीय सोनाराम साहू जी, जिसे आयोजक परिवार के संरक्षक के पद पर आसीनी है और अपने पद को बड़े ही तन्मयता के साथ हम सबके बीच पर गांव वालों को रेखांकित कर रहे हैं राम के। बालोद से रूपचंद जैन, सीजी विजन टीवी।